प्रदेश के जनपद बहराइच थाना खैरी घाट के थैलिया ग्राम पंचायत के बधुआपुर निवासी 15 वर्ष किशोरी की घर में फावड़ा से काटकर हत्या कर दी गई। कुछ दूरी पर ही बबुल के पेड़ से उसके भाई का शव फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। खैरी घाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत थैलिया के मजरा बधुआपुर निवासी श्यामा देवी 15 पुत्री रामपाल की शनिवार रात को फावड़ा से काटकर उसके घर में ही हत्या कर दी गई, जबकि श्यामा देवी के भाई का शव घर से कुछ दूरी पर स्थित बबुल के पेड़ में फंदे से लटकता मिला। इसकी जानकारी पुलिस को 10:20 पर मिली। दो मौत से गांव में हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक को घटना की जानकारी दी। रात 11 बजे पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चौकीदार के बेटे की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है। भाई बहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिता की मौत हो चुकी है। प्रथम दृष्टया आपसी विवाद में बहन की हत्या के बाद भाई द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश में आ रहा है, लेकिन जांच के बाद भी कुछ स्पष्ट हो सकेगा। माँ और भाई घर से फरार। प्रभारी नीचे संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुंशी लाल और श्यामा देवी की मौत के बाद घर पूरी तरह से खाली हो गया। उन्होंने बताया कि मुंशी लाल का बड़ा भाई भाभी और माँ घटना के बाद से ही घर से फरार है। पूछताछ के लिए उनकी भी तलाश की जा रही है। ग्राम मधुआपुर थाना खैरीघाट के चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि गाँव में श्यामा देवी उम्र 16 वर्ष की हत्या फावड़े से कर दी गई है, एवं उसके भाई मुंशी लाल जिसकी उम्र 20 वर्ष है, गाँव से कुछ दूरी पर उसने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। इस सूचना पर तत्काल खैरीघाट पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं आला कत्ल फावड़े को कब्जे में लिया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया है। इस संबंध में अभी पंजीकृत किया गया एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।